होम एंड नेचर ब्लॉग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम सारे काम काज हमारे और हो चुके हैं और इस समय बज रहे हैं 11:05 दिन के, और सुबह मैं उठी थी 8 बजे क्योंकि आज है संडे। तो अब मैंने सोचा है कि संडे को ज़रूर ब्लॉग लाऊंगी, पूरे हफ्ते का ब्लॉग, पूरे हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटी में क्या हुआ, तो ये ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, संडे का ज़रूर ब्लॉग देखिएगा। तो देखिए आज क्या क्या शेयर कर पाते हैं। पिछला थोड़ा सा बहुत चीज़ें थोड़ी हफ्ते की और आज, तो संडे को करूँगी। तो चलिए देखिए आज हमने क्या क्या करा हुआ है। तो चलिए आपको पहले दिखा देते हैं। ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है और ये दूध पी रहा है। ये यहाँ जूता चप्पल जहाँ होते बस इसको ठंडा महसूस हो वहीं पर ही बैठ जाएगा। इधर गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो जगह है नहीं तो यहीं पर बैठता है रोज, इसको ठंडक लगती है। देखिए यहाँ पे नया कूलर लिया है अभी हम लोगों ने, तो ये लगा है आयु के रूम में। इसको 2 दिन हो गया है। और मिट्टू को देख लीजिए, मिट्टू के बाल आजकल गर्मी में टूट रहे हैं, इनके बाल टूटते ही हैं, पर हमारे मिट्टू के हर साल बाल टूट जाते हैं, फिर अभी नए बाल आएंगे। और इधर हमने अपने की चाय भी बना के रख दी है, वो देखने में ज़्यादा लग रही पर कम ही है। और इधर हमने बनाई है कटहल की सब्ज़ी, ये देखिए। और इधर हमने बनाया था सुबह नाश्ते में सैंडविच, जो कि अब एक ही बचा है, वो भी अब मेरे लिए अभी बना है, आपके लिए भी, आपके लिए देखिए और क्या क्या बनाई हूँ अभी ये इसमें। नैपकिन देखिए कितने सुंदर हैं यारे ना, इसके नीचे पराठे मैंने बना के रखे हुए हैं। तो और फ्रेंड्स इधर आलू बॉयल करके रखे हैं, इसी के सैंडविच बनाए थे और 3 आलू बचे हैं, तो देखते हैं उसका क्या बनाएंगे। और दलिया में देखिए हमने अदरक नींबू धनिया मिर्ची सब रख के रखा हुआ है, धुल के ऐसे ही रख देते हैं इनको किचन में, तो ऐसे रहता है। तो अब ये इन लोगों को खाना भी दे देते हैं क्योंकि अभी हमने दिया नहीं इनको। और ये देखिए इनको देखिए, ये तुरंत ही डर के पानी में कूद जाते हैं। चलो भैया देखो कहाँ गया, ये है मीनू है, डीनू को तो हम बता चुके थे आपको वीडियो में, शॉर्ट से शेयर किया था। डीनू नहीं रहा, अब ये अकेला ही है हमारा बच्चा छोटा सा, ये वाला, इसका नाम मीनू है। इतने काम करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है, और आजकल मेरी कुकिंग मेट जो है छुट्टी भी चल रही है, तो सुबह उठने के बावजूद भी इतना टाइम हो जाता है। और अब हम चल रहे हैं नहाने, और ये देखिए मेरा गेटअप अभी इसी तरीके से है, चूँकि अभी मैंने ना मुँह हाथ धो के वॉश करके एक बार मैं पानी गिलास में पी चुकी हूँ, बट अब बहुत गर्मी हो रही, देर हो रही, नाश्ता करने में भी डिले हो रहा है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, नाश्ते के बाद में रहते हैं। देखिए कितनी धूप आ रही है ना, बहुत तेज़ आजकल धूप है, गर्मी ने सारे विश्व रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। Thank you.
चटनी रेडी कर देना इसको। ग्यारह बीस से जाते हो रहे हैं तो हमें 12 बज रहे हैं और मैं काम काम करके और सारे आज से फिर सब सुबह कपड़ बेडशीट वगैरह सब चेंज करने के बाद में आ गए हैं घर। वॉशिंग मशीन में चला दे क्योंकि संडे के संडे ये सब काम नहीं होते हैं, बस काम कुछ ज़्यादा ही हो गए थे तो संडे के संडे हम लोग सारी चीज़ें बेडशीट रजाई कपड़ा सोफ़ा कवर सब धुलते ही हैं तो धुल लिया है और अभी इसी समय रात में फैला दिया है, सुबह तक सूख भी जाएंगे सब आधे। और बेटी को मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, उन्होंने कैमरे में आने से मना करा था। और दूसरी बात यह है कि अभी उन्हें ज़्यादा लेजीनेस रहती है तो नहीं वो देख पाती है ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि जो मेहमान आए थे वो उनका क्या कैमरे में लेना वो अपने स्टेटस पे लगाएंगी तो सब किया सेवा पानी में सारा टाइम बीत के अच्छा लगा, मिलने आए लोग तो अच्छा लगा और सेवा पानी में टाइम बीत गया। और रात के बज रहे हैं 12:10 हो गए हैं तो अभी समय हमारे पूरे दिन का ब्लॉग हो जाता है ओवर और संडे के संडे भी ब्लॉग आएगा। ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और संडे से लेके मंडे से लेके संडे तक जो भी छोटी मोटी गतिविधियाँ होंगी जो भी चीज़ें होंगी मैं वो सारी शेयर करूँगी तो मेरा ब्लॉग अब किस तरीके से आएगा और हर संडे को आएगा सुबह मॉर्निंग से ही रात के सोने तक का। तो आप चलिए गुड नाइट बोलते हैं, नींद बहुत तेज आ रही, बहुत थकी हुई हूँ, पैरों में बहुत दर्द भी हो गया है। तो बाय बाय, टेक।